केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह गुस्सा हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक एक बहुत बड़ी साजिश है और ये काम दिल्ली में बैठे कांग्रेस के नेताओं के इशारे पर किया गया। गिरिराज सिंह से हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने बातचीत की। भोजपुर में घटना घटी पंजाब के अंदर, वो संयोग नहीं था, वो साजिश था और साजिश संयोग नहीं और ये साजिश था, हत्या की साजिश थी। अगर ये नहीं होता, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं से माइक से आवाज आ रहा था उधर से घेरो, एक तरफ तो घेर ही लिया था, देश का पहला ऐसा दिखा जहां प्रधानमंत्री की सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं। वहां के मुख्यमंत्री का वक्तव्य हर बार बदलते रहा है, चाहे आपके चैनल पर बदले चाहे जहां बदले, उधर से भी घेरने की साजिश चल रही थी। आज के जमाने में वहां ड्रोन आम हो गया, आज के जमाने में आर्म्स, तो कुछ भी घटना घट सकती थी। ये तो महादेव की दया जो नरेंद्र मोदी ने अपने विवेक से काम लेकर के वापस पहुंच गए। सर, एक सवाल ये है, चन्नी जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उन्हें आदेश दिए हैं कि जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उन्हें बर्खास्त किया जाए। क्या आपको लगता है ऐसे माहौल में फ्री एंड फेयर चुनाव होंगे या वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए जिस तरीके की सिचुएशन बनी है? देखिए, सिचुएशन जो है पूरा देश ने देखा, जो राज्य एक प्रधानमंत्री की सुरक्षा देने में विफल ही नहीं बल्कि एक साजिशकर्ता बन जाए, आगे चुनाव क्या होगा वो चुनाव आयोग जाने। लेकिन केवल राज्य सरकार नहीं बल्कि इसका तार कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के साथ जुड़ा लगता है। बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने न सिर्फ पंजाब सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया बल्कि महामृत्युंजय जाप कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु के लिए कामना की। कांग्रेस ने पूछा, आखिर संकट है कहां? वो दीर्घायु हो, लगातार देश का नेतृत्व करें, दुनिया को दिशा दिखाएं। और आज हम ये भी प्रार्थना कर रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में कि कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को सद्बुद्धि दें कि वो ऐसी हरकत ना करें जो देश की सुरक्षा के लिए संकट बन जाए। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री है, खिलवाड़ उनकी जिंदगी के साथ तो हुआ है, देश की सुरक्षा के साथ भी हुआ है। ये सब करने की आवश्यकता क्यों आ पड़ी? प्रधानमंत्री स्वस्थ हैं, भगवान उन्हें लंबी उम्र दे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। लेकिन यह सब करने की आवश्यकता तब आ पड़ती है जब कोई संकट हो। कोई संकट नहीं है प्रधानमंत्री पर, फिर यह सब करना मतलब राजनीतिकरण करना। खैर, जितनी पूजा पाठ करें भारतीय जनता पार्टी वाले उतना कम है, जो पिछले 7.5 सालों में इन्होंने हर वर्ग को सताया है। पूजा पाठ कर लें तो शायद देश का तो छोड़िए इनका कुछ कल्याण हो। पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक का मामला थम नहीं रहा। बीजेपी लगातार कांग्रेस पर आक्रामक है। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने पंजाब में बीजेपी के प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत से भी इस बारे में बातचीत की। मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी, उन्होंने कल आज तक से बातचीत करते हुए कहा है कि कोई चूक नहीं हुई। मुझे लगता है इस प्रश्न का उत्तर तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि क्या आप मानते हैं, देश का सामान्य नागरिक होने के नाते मुझे आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं कि क्या चूक हुई है कि नहीं हुई है, या जो कुछ हुआ है उसको आप चूक मानते हैं कि नहीं मानते हैं? पंजाब की सरकार और सरकार जिनके इशारों पर काम कर रही थी वो कांग्रेस आलाकमान इस पाप के बोझ से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। देश की नज़रों में, देश की जनता सामान्य मानवी के नज़रों में प्रधानमंत्री जैसी संस्था, और जिस देश ने दो दो प्रधानमंत्री इस तरह से खोए हैं उस देश की जनता कभी इस कृत्य के लिए माफ तो नहीं करेंगे। सर, लेकिन चन्नी ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उन्हें कहा है कि जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। चलिए, ऐसी सद्बुद्धि अगर आई है और उनको दी है और वो इस पर काम करते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अपने इस पाप का प्रायश्चित वो कर रहे होंगे। लेकिन
विषय इससे समाप्त नहीं हो जाता कि इसके दोषी कौन है। अंततः इसके दोषी जो है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के आलाकमान हैं, जिनकी नरेंद्र मोदी जी के प्रति घृणा है। वो नरेंद्र मोदी जी इस स्थान पर न रहें इसके स्वप्न रात्रि में भी शायद देखते होंगे। चन्नी ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने इस घटना के बाद प्रधानमंत्री से संपर्क साधने की कोशिश की है, प्रधानमंत्री उनके फोन पर नहीं आ रहे हैं। ये सब चीजें जो है इस पूरी घटनाक्रम को आप प्रारंभ से लेकर के अंत तक, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम जो तय हुआ उस तय तिथि से लेकर के आज तक अगर आप सब एक इन टोटैलिटी अगर आप देखेंगे तो ही हम जो है इसको पूरे को समझ पाएंगे कि किस तरह से एक षड्यंत्र रचा गया, किस तरह से जो है प्रधानमंत्री जी के वहाँ रैली स्थल पर न पहुँचे इसकी व्यवस्था की गई, किस तरह से प्रधानमंत्री जी की वो रैली सफल न हो उसकी जो है वो चर्चा की गई। बार बार कांग्रेस के नेता एक जो एक स्क्रिप्टेड स्टोरी पर जिस तरह से सारे नेता बोल रहे थे कल कि रैली में लोग इकट्ठे नहीं हुए इसके कारण से जो नहीं आ पाए, आधे मीडिया हाउसेज ने खुद ने अपने स्टोरी करके लिखा कि 10,000 लोग थे, लेकिन देश के सारे मीडिया हाउस के पास शायद कुछ लोगों ने दिखाया होगा, कुछ लोगों ने शायद किसी दबाव में किसी आकर्षण में किसी कारण से न दिखा पाए होंगे, मजबूरी होगी उनकी, लेकिन शायद ही देश का कोई मीडिया हाउस ऐसा होगा जिसके पास में वो वीडियोस नहीं होंगे जहां हजारों की संख्या में बसेज रुकी हुई हैं, पुलिस के द्वारा प्रोटेक्टेड लोग तथाकथित राजनीतिक कर्मी उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। यह मामला हमारे देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का है, मगर यह साजिश और राजनीति में उलझता जा रहा है। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रास्ता रोकने वाले प्रदर्शनकारी अचानक सड़क पर आ गए, जबकि केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता इसे आयोजित बता रहे हैं। तो क्या है सच और क्या ये आयोजित था? तो क्या इसमें केंद्रीय एजेंसियां भी जुड़ी हुई थी जिनसे चूक हुई है? देखिए, मैं भी प्रधानमंत्री की के लिए दुआ करता हूँ, उनकी लंबी उम्र हो और बहुत लंबी हो, वो सलामत रहे कयामत तक, और खुदा करे कि कयामत ना हो। कयामत तो हो गई, जब प्रधानमंत्री ने खुद कह दिया कि वो किसी तरह जिंदा लौट सके, तो मुख्यमंत्री चन्नी की हर सफाई पर देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के प्रोटोकॉल भारी पड़ रहे हैं। इन नियमों की वजह से ही अब बात राष्ट्रपति से शिकायत और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तक पहुंच चुकी है। वहीं जांच कमेटी बना चुके मुख्यमंत्री चन्नी पहले ही पंजाब पुलिस को क्लीन चिट दे रहे हैं, जवाब में केंद्र सरकार उन पर सवालों की बौछार कर रही है। वहां रैली रखी गई थी, 70,000 कुर्सी लगा दी, 700 बंदा पहुंचा, खाली कुर्सियां दिख रही थी, तो वापस तो 10 किलोमीटर आगे से भी जाना था, तो 10 किलोमीटर पीछे से ही निर्णय ले लिया कि वापस चले। हम संबान में बुक्के लेकर खड़े थे, हमने जो हमें ड्यूटी मिली वो की है, लेकिन ये कहना कि पंजाब सरकार की गलती है या पंजाब पुलिस की गलती है ये गलत है। प्रधानमंत्री उस वक्त उस फ्लाईओवर पर कब उपस्थित होंगे ये सिर्फ और सिर्फ लोकल पुलिस जो कोऑर्डिनेशन कर रही थी रूल के हिसाब से उनको पता था, प्रशासन को पता था। किसने बताया उन लोगों को जो मैंने कल भी कहा पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे, जिनकी मंशा थी कि वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भंग करें, किसने कहा था उनको उस वक्त वहां उपस्थित होने के लिए? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए एक तरफ जहां केंद्र सरकार एक्शन में है तो वहीं पंजाब सरकार ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी बीच फिरोजपुर से एक एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है जिसमें पुलिस प्रदर्शनकारियों से रास्ता खुलवाने के लिए बात कर रही है। ये उस वक्त की तस्वीर है जब पीएम मोदी फ्लाईओवर पर फंसे थे। उसी फिरोजपुर में एमएचए की टीम पहुंची और उस मौके का मुआयना किया जहां पीएम मोदी का काफिला 15 से 20 मिनट तक रुका रहा। इसके अलावा टीम ने फिरोजपुर के आला अधिकारियों से भी बात की। केंद्रीय गृह मंत्रालय की 7 सदस्यीय टीम जिसमें एक महिला अधिकारी भी शामिल थी सुबह 10 बजे फिरोजपुर के उस फ्लाई ओवर पर पहुंची जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का काफिला रोका गया था। उसके बाद फरीदकोट, भटिंडा, मोगा और फिरोजपुर के उन पुलिस अधिकारियों को उसी मौके पर बुलाया गया जिनकी ड्यूटियां
प्रधानमंत्री मोदी के काफिले पर अलग अलग नाकों पर लगी हुई थी। यही नहीं, टीम के अधिकारियों ने जितने भी पुलिस के अधिकारी बुलाए गए थे उनकी बातचीत और इन्वेस्टिगेशन को कैमरों में रिकॉर्ड भी किया। उसके बाद इस टीम के सदस्य उन स्थानों पर भी गए जहां से प्रधानमंत्री मोदी का काफिला निकला था। उसके बाद बीएसएफ के इस ऑफिस के बंद कमरों में एक बार फिर से पुलिस के आला अधिकारियों को बुलाया गया, उनसे पूछताछ की गई। इस बीच पंजाब सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से मांगी गई रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में पंजाब सरकार ने क्या कहा देखिए। पूरे पंजाब में चल रहे प्रदर्शनों को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था। फिरोजपुर में अचानक ही प्रदर्शनकारी हाईवे पर आ गए थे। पंजाब सरकार जहां इसे अचानक बता रही है, वहीं केंद्र के मंत्री और बीजेपी नेता इसे आयोजित बता रहे हैं। इन सब के बीच कल रात पंजाब सरकार के गृह सचिव ने ये रिपोर्ट केंद्र को भेज दी और आज पंजाब पुलिस ने पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में FIR दर्ज भी कर लिया है। इस बीच पूर्व गृह सचिव जीके पिल्लई ने कहा कि ये गलती सिर्फ पंजाब पुलिस की नहीं SPG और IB की भी है। वो इसकी वजह भी बता रहे हैं। उनके मुताबिक VVIP सुरक्षा के मापदंड तय करने वाली ब्लू बुक में निर्देश साफ है। इसमें लिखा गया है कि PM की काफिल में पायलट गाड़ी आगे चलती है, वो 1 किलोमीटर आगे चलती है ताकि रास्ता साफ है या नहीं ये पता चल सके। अगर रास्ता जाम होता है तो तुरंत वायरलेस से इसकी जानकारी देती है। काफिले को तुरंत रोका जाता है और फिर उसे वापस मोड़ दिया जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं किया गया। PM को सुरक्षित जगह पर नहीं ले जाया गया। वहीं IB को भी सतर्क रहना चाहिए था। जब किसान आंदोलन चल रहा है तब PM को सड़क के रास्ते 100 किलोमीटर से भी ज्यादा की सलाह देना सही नहीं था। 15-20 minutes exposed is definitely a lapse on the part of the SPG. The moment the rocket was seen and within us literally 30 seconds, a minute, they should have whisked away the Prime Minister from there to safe house, which would have been already designated and taken into custody, or he goes back to the airport from where he came from. देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला बेहद गंभीर होता है, खासतौर पर जिस देश ने दो दो प्रधानमंत्री साजिश के तहत किए गए हमलों में गवाए हों। शायद इसी वजह से देश की सर्वोच्च अदालत भी दोनों सरकारों को इसकी साझा जांच करने का सुझाव दिया है। मगर अलग अलग जांच कमेटियां गठित किए बैठे केंद्र और राज्य सरकारें फिलहाल एक दूसरे पर अविश्वास और आरोपों की सियासत करती नजर आ रही है। अशोक सिंघल, सत्येंद्र चौहान और ललित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली पहले से तय हो चुकी थी, मगर रैली से पहले की रात तक प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत चलती रही। इस बातचीत में बीजेपी के नेता भी शामिल थे। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अपनी सफाई में उस रात की पूरी कहानी बताई है, लेकिन फिरोजपुर में जो हुआ उसे बीजेपी नेता राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर घिरे पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में पूरे मामले पर अपनी सफाई दी। इस इंटरव्यू के दौरान चरणजीत सिंह चन्नी ने सड़क किनारे खड़े प्रदर्शनकारियों को देखते ही गाड़ी रुकवा दी। देखो ये प्रदर्शनकारी मुझे रोकना चाहते हैं, रोको रोको रोको, दिखाओ ये। यहाँ पे लोग इकट्ठा हैं, झंडे दिखाए जा रहे हैं CWP, और चन्नी साहब उनसे मिलने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं चन्नी साहब के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, यहाँ रोकने की कोशिश की उनका काफिला, और चन्नी साहब खुद उतर करके यहाँ मिलने आए हैं। क्या क्या डिमांड है? अच्छा ले अपना कोई मांग पत्र। अगर मेरा रास्ता तुम आज रोक रहे हो यहाँ, ये TV लाइव चल रहा है, इसलिए बाई चांस हो गया कि मैं गाड़ी में बैठा था। तो चन्नी साहब हम बात कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर की। अरे बात इतनी ही बात थी जी कि ऐसे ही लोग आगे आ गए, बैठ गए, वहां तक प्राइम मिनिस्टर नहीं पहुंचे थे। चरणजीत सिंह चन्नी का पॉइंट ये है कि पंजाब में चूंकि चुनाव है लिहाजा अपनी मांगों को लेकर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। अचानक किसी भी सड़क पर प्रदर्शनकारी नेताओं को घेर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ किसी साजिश के तहत ऐसा नहीं किया गया। इसमें कहा है कि प्रधानमंत्री जी की गाड़ी के नजदीक 1 किलोमीटर तक भी कोई आया? इसमें कहा है कि कोई कंकर भी उनपे फेंका? रूट तो रोका गया, रूट तो रोका गया उनका। अरे रूट रोकना अलग बात है,
लाइफ को खतरा होना अलग बात है। मैं पॉलिटिकल आदमी हूं, मैं सीएम भी हूं। अब आगे कोई 10 आदमी एकदम आकर बैठ जाएंगे, उनको प्यार से हटा दिया जाएगा। सीएम चन्नी ने इस दलील को और पुख्ता बनाने के लिए प्रधानमंत्री के दौरे से पहले की रात का जिक्र किया। उनके मुताबिक प्रधानमंत्री के फिरोजपुर दौरे से पहले किसान इस बात पर अड़े थे कि उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो रैली नहीं होने देंगे। चन्नी कहते हैं कि उस रात गृह मंत्री अमित शाह ने खुद फोन पर उनसे बात की। वहीं बीजेपी के पंजाब प्रभारी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पंजाब में डेरा डाल रखा था, वो भी किसानों को समझाते रहे। आखिरकार रात 2 बजे बात बनी और किसानों ने रास्ता खाली कर दिया। अचानक वो पीएम के रास्ते में कैसे आ गए, इस पर सीएम चन्नी और बीजेपी नेताओं के बयान अलग अलग हैं। रात को 1:30 बजे मैंने डायरेक्टर आईबी से टेलीफोन किया, उन्होंने उठाया नहीं। सुबह 6:30 बजे मेरी उनसे बात हुई है, अभी भी मैं आपको दिखाऊं मेरे मोबाइल में वो कॉल है जो मेरी उनसे बात हुई। उन्होंने भी सेटिस्फेक्शन जारी की, मैंने भी, कि हाँ ठीक है प्रदर्शनकारी उठ गए। ये सुबह जब वो उस रोड पे जा रहे थे, गांव से आकर निकल कर बैठ गए 10 आदमी, गांव नज़दीक ही है तो इसको हटाया जा सकता था। ये प्यार से भी बात सेटल हो जा सकती थी, अगर वापस चले गए तो भी क्या हो गया। तिथि से लेकर के आज तक अगर आप सब एक इन टोटैलिटी अगर आप देखेंगे तो ही हम जो है इसको पूरे को समझ पाएंगे कि किस तरह से एक षड्यंत्र रचा गया, किस तरह से जो है प्रधानमंत्री जी के वहाँ रैली स्थल पर न पहुँचे इसकी व्यवस्था की गई, किस तरह से प्रधानमंत्री जी की वो रैली सफल न हो उसकी जो है वो चर्चा की गई। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री चन्नी ने गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगा है। हालांकि उनके मुताबिक दोनों से ही उनकी कोई बात नहीं हुई है। वहीं सोनिया गांधी से उनकी बात हुई और उन्हें चूक में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश मिले हैं। मगर बीजेपी जहां कांग्रेस आलाकमान को ही कटघरे में खड़ा कर रही है, वहीं कांग्रेस सीधे पीएम पर अपनी सुरक्षा के राजनीतिकरण का आरोप लगा रही है। और जिस तरह से एक जानबूझ कर की गई आपराधिक साजिश पर अहंकारी कुतर्क दिए जा रहे हैं, आपराधिक करतूत पर अहंकारी कुतर्क देने की कोशिश हो रही है, उससे ये अपने गुनाह से ये बच नहीं सकते। आप एक देश के केवल प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि विश्व में एक ऐसे लीडर के खिलाफ साजिश षड्यंत्र की गंध आ रही है जो कि दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाते रहे हैं, जिनके नेतृत्व में सर्जिकल स्ट्राइक होती है, जिनके नेतृत्व में हिंदुस्तान में से आतंकवादियों का सफाया किया जा रहा है, और वही नहीं पूरी दुनिया जिन्हें विश्व में शांति का नायक के रूप में देखती है, आप उनके खिलाफ एक साजिश की षड्यंत्र को जो है वो आप लिपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा एक ऐसा गंभीर मुद्दा होता है, वो किसी भी पार्टी के प्रधानमंत्री हो, देश के प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा का राजनीतिकरण स्वयं प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकते, ये घोर अपराध है, ये पाप है। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि चुनाव में पंजाब की लड़ाई ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा तक को दांव पर लगा दिया है और लगातार जारी सियासी आरोप प्रत्यारोप एक संस्थान के जड़ों को कमजोर करते नजर आ रहे हैं। अशोक सिंगल, सुप्रिया भारद्वाज के साथ, हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।